या देवी सर्वभूतेषु मा शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। नवरात्रि संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है नौ रातें, और इन नौ रातों और दस दिनों के दौरान माँ के अलग अलग नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। वही नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा आखिर क्यों की जाती है। देश में शारदीय नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। देश के कई राज्यों में इसकी धूम रहती है। फिर चाहे बात गुजरात के गरबा की हो, बंगाल की दुर्गा पूजा की हो या कुल्लू के दशहरे की हो, सब अपने अपने तौर तरीकों से नवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। नवरात्र को देखते हुए मंदिरों में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। शारदीय नवरात्रि का पावन त्योहार शुरू हो, ये हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसमें मां आदि शक्ति की उपासना की जाती है। मां के भक्त शारदीय नवरात्रि में उनके नौ अलग अलग रूपों की आराधना व्रत रखकर करते हैं। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि का पावन त्योहार शुरू हो रहा है। ये हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसमें मां आदि शक्ति की उपासना की जाती है। इस साल शारदीय नवरात्र पूरे नौ दिनों का है। इन नौ दिनों तक माता के भक्त माता के लिए व्रत पूजा पाठ आराधना के जरिए माता देवी को प्रसन्न किया जाता है। नवरात्र को देखते हुए मंदिरों में तैयारी तेज कर दी गई है। शारदीय नवरात्रि का पावन त्योहार शुरू हो, ये हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसमें मां आदि शक्ति की उपासना की जाती है। मां के भक्त चैत्र नवरात्रि में उनके नौ अलग अलग रूपों की आराधना व्रत रखकर करते हैं। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जाने जाती हैं। ये नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता पार्वती को शैलपुत्री भी कहा जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि के प्रथम दिन योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। मां शैलपुत्री की पूजा का महत्व। नवरात्रि के पहले दिन देवी मां शैलपुत्री हैं। आज पूरे दिन मां शैलपुत्री का ध्यान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से भय दूर होता है, शांति और उत्साह मिलता है। वो अपने भक्तों का यश, ज्ञान, मोक्ष, सुख समृद्धि आदि प्रदान करती है। माता शैलपुत्री की कथा। राजा प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देवी देवताओं को न्योता दिया, लेकिन शंकर जी को निमंत्रित नहीं किया गया था। इस बात की जानकारी सती को हुई तो उनका मन उत्सुक हो उठा। उन्होंने भगवान शिव को इस बारे में बताया। तब शंकर जी ने कहा कि प्रजापति दक्ष उनसे किसी कारण से नाराज हैं, इसलिए यज्ञ में नहीं बुलाए बिना निमंत्रण वहां जाना ठीक नहीं है। सती नहीं मानी और उस यज्ञ में चली गई, लेकिन यज्ञ में सम्मिलित होने पर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि सभी लोग उनको अनदेखा कर रहे थे, कोई ठीक से बात भी नहीं कर रहा था। मां ने बस प्रेम से उनको गले लगाया। लोगों के इस व्यवहार से सती और दुखी हो गई। वहां पर उनका और उनके पति भगवान शंकर का तिरस्कार हो रहा था। दक्ष ने उनको कटु वचन भी बोले
तब सती का मन क्रोध से भर गया। क्रोध और ग्लानि के वशीभूत उन्होंने स्वयं को उस यज्ञ की अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। इससे शंकर जी भी उद्वेलित हो गए और उन्होंने उस यज्ञ को भी तहस नहस कर दिया। फिर वही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म ली। वही शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई, उनको पार्वती और हेमवती नाम से भी जाना जाता है। तो शारदीय नवरात्र के आज से शुरुआत हो चुकी है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कई ऐसी कहानियां हैं जिस वजह से इस नवरात्र के पर्व को मनाया जाता है, और नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसको लेकर लोगों की श्रद्धा और आस्था देखते ही बनती है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।